नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं आगे बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की हो गई है, सरकार ने टाटा सन्स की बोली को स्वीकार कर लिया है। सरकार इसमें पूरी 100% हिस्सेदारी बेचने के लिए टेंडर मंगाई थी। एयर इंडिया की दूसरी कंपनी एयर इंडिया सेट्स में सरकार इसी के साथ 50% हिस्सेदारी बेचेगी। एयर इंडिया के लिए जो कमेटी बनी है उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, कॉमर्स मंत्री पीयूष गोयल और एविएशन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया का रिजर्व प्राइस 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए तय किया गया था। टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। बता दें कि एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने स्पाइस जेट के चेयरमैन अजय सिंह से ज्यादा की बोली लगाई थी। इस तरह करीब 68 साल बाद एयर इंडिया घर वापसी कर गई है। एयर इंडिया के लिए बोली लगाने की आखिरी तारीख 15 सितंबर थी। उसके बाद से यह अनुमान था कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया को खरीद सकता है। बता दें कि एयर इंडिया को 1932 में टाटा ग्रुप ने शुरू किया था। टाटा समूह के JRD टाटा इसके फाउंडर थे। वे खुद एक पायलट थे, तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया था। 1938 कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया था। आजादी के बाद सरकार ने इसमें 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इस डील के तहत एयर इंडिया का मुंबई में स्थित हेड ऑफिस और दिल्ली का एयरलाइंस हाउस भी शामिल है। मुंबई के ऑफिस के मार्केट वैल्यू 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मौजूदा समय में एयर इंडिया देश में 4,400 और विदेशों में 1,800 लैंडिंग और पार्किंग स्टोन को कंट्रोल करती है। भारी भरकम कर से दबी एयर इंडिया को कई सालों से बेचने की योजना में सरकार फेर रही। सरकार ने 2018 में 76% हिस्सेदारी बेचने के लिए बोली मंगाई थी। हालांकि उस समय सरकार मैनेजमेंट कंट्रोल अपने पास रखने की बात कही थी। जब इसमें किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई तो सरकार ने मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ इसे 100% बेचने का फैसला किया। हाल में विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि 15 सितंबर के बाद बोली लगाने की तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। बता दें कि एयर इंडिया को सबसे पहले बेचने का फैसला साल 2000 में किया गया था। यह वह साल था जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने मुंबई के सेंटोर होटल सहित कई कंपनियों का निवेश किया था। उस समय अरुण शौरी विनिवेश मंत्री थे। 27 मई 2000 को सरकार ने एयर इंडिया में 40% हिस्सा बेचने का फैसला किया था। इसके अलावा सरकार ने 10% हिस्सा कर्मचारियों को शेयर देने के रूप में और 10% घरेलू वित्तीय संस्थानों को देने का फैसला किया था। इसके बाद सरकार की हिस्सेदारी एयर इंडिया में घटकर 40% रह जाती है। हालांकि तब से पिछले 21 साल से एयर इंडिया को बेचने की कई बार कोशिश हुई, हर बार किसी न किसी कारण से यह मामला अटक गया। तो यह थी आज की खास खबर। इसी तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे HM News के साथ।